हेलो फ्रेंड्स, चिंटूज आइडिया में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया वीडियो और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि हमें कपड़े की शॉप स्टार्ट करनी है तो कैसे स्टार्ट करें और कितना इनकम मिलेगा। तो आज का टॉपिक कपड़े के बारे में ही है, लेकिन आज मैं एक नया सजेशन लेके आया हूँ कि जिसको भी अगर कपड़े की दुकान करनी है तो वो कपड़े की ना करके स्टार्टिंग बेसिस पे वो हॉजियरी से स्टार्ट करें। हॉजियरी मीन्स के जो बच्चों का, बड़ों का और मेंस का जो अंडरगारमेंट्स वगैरह जो आता है, नाइट वियर, कॉटन में जो भी कुछ आते हैं, उससे बिजनेस स्टार्ट करें। आइटम ऐसा है कि वो हर सीजन चलने वाली आइटम है, उसमें ना कोई सीजन आता है ना कोई चेंज आता है। चेंज तो आता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होता कि पैटर्न आता है कि ये आता है वो आता है, और वो चीज़ें हर रोज़ यूज़ होती है। मतलब ऐसा हर रोज़, मतलब ऐसा नहीं बोल, कपड़े हम हर रोज़ नहीं पहनते, कपड़े हम पहनते, लेकिन आज जो मैंने ये टी शर्ट पहना है उसको मैं दोबारा कब पहनूंगा, मतलब एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, तब यूज़ करूँगा। अंडर गारमेंट चीज़ ऐसी है कि वो हर रोज़ अपने को एक दिन छोड़ के यूज़ करना पड़ता है, और उसका यूज़ भी ज़्यादा होता है तो उसका डिमांड भी ज़्यादा रहता है। उसमें ऐसा है कि आप लोग स्टार्टिंग बेसिस पे बच्चों का, बड़ों का और ओल्ड एज वाले का सभी टाइप की चीज़ें रखोगे, और उसमें जैसे 4-5 ब्रांड जो मार्केट में रेगुलरली चलते हैं, वो ब्रांड आप लोग वो ब्रांड से स्टार्ट करोगे तो उसमें सभी चीज़ रखनी है आपको। अंडरवेयर भी रखना है, और सैंडो, ब्रीफ, बॉक्सर्स, सभी चीज़ आपको रख। तो मैं आपको क्या है कि कभी भी डिस्काउंट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं, वो जो चीज़ में आप बेचते हो वही चीज़ वही रेट में आप बेचते रहोगे, और उसमें ना कोई आपको कस्टमर को ना कोई ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ना कोई ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। एक बार कस्टमर जो ले गया वो रिपीट आके बोलेगा कि मुझे ये साइज़ दे दो, ये वाला पैटर्न दे दो। मतलब जो कस्टमर को जो चीज़ फा जाती है वो चीज़ वो वापस दोबारा मांग लेते हैं। और ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें आपका कस्टमर परमानेंट ही बन जाता है, क्योंकि एक बार आपकी यहाँ आया और आपकी यहाँ सभी चीज़ उसको मिल जाएगी तो वो दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ना कोई डिज़ाइन और ना कोई लेटेस्ट फैशन ऐसा कुछ आता है, तो कस्टमर अपना इसमें परमानेंट रहता है। और इसके साथ साथ आप जो रेगुलर टी शर्ट्स आते हैं मेंस के, जो 3-पीस पैक के आते हैं, वो सिंपल जो प्लेन टी शर्ट आते हैं, वो आप रख सकते हो। वो भी क्या है कि वो भी उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो भी कस्टमर रिपीट करते जाएगा, वो भी ज़्यादा कुछ महंगे नहीं आते, तो वो भी आराम से कस्टमर ले जाते हैं। और जो नाइट वेयर के पैंट होते हैं, जो कॉटन के, बरमूडा शॉर्ट्स, वो सब चीज़ें आप रख सकते, बॉक्सर्स है, वो सब आपको रखना है उसमें। तो ये बिज़नेस आपको 100% मैं बोलता हूँ कि अच्छा ही चले। और फ्रेंड्स, इसको भी अगर ये अच्छा सा चलने लगे तो आप इसके साथ साथ आप लेडीज़ का भी इनरवेयर ऐड कर सकते हो उसके साथ साथ, और उसमें भी आपको कस्टमर मिलते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी कुछ आप स्टार्ट करते हो मेंस का या बच्चे का, तो आपको सभी टाइप की और सभी वेराइटीज़ रखनी पड़ेगी, पैटर्न और सभी चीज़ें रखनी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको जो सारे डिज़ाइन और सारे टाइप के इनर वेयर रखने पड़ेंगे तो ही कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे, क्योंकि उसको ए टू जेड चीज़ें मिल जानी चाहिए एक ही दुकान से। जैसे कि क्रॉस में और प्रिंटेड में बहुत सारे उसमें वेराइटी, आप उसमें बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप आपको सब पता चल जाएगा। फिर आपको कपड़े का भी अगर शौक है करने का, तो फिर इसके साथ ये थोड़ा अच्छा सा सेट हो जाए तो इसके साथ साथ आप कपड़े भी थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हो मेंस के, और जिसमें आपको इंटरेस्ट है लेडीज़ का। तो इस तरह से ये बिज़नेस आपको, मैं बोलता हूँ कि 99% आप सक्सेस होगी ये बिज़नेस। कोई कोई शॉप वाले 5 या 5 से 7% जैसा डिस्काउंट भी देते हैं, तो आप भी अगर 5% मार्जिन कम रख के धंधा करेंगे तो अभी उसमें आपको कुछ ये नहीं होगा। लेकिन कोई कोई ब्रांड में ही ऐसा होता है, सभी में नहीं, कोई कोई फिक्स MRP पे ही जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखें। और जब भी आप ये सब स्टार्ट करते हो तो थोड़ा मार्केटिंग भी करना ज़रूरी है, जैसे कि बड़ा एक होर्डिंग्स लगाना है, और थोड़े पैम्पलेट जो आप शॉप स्टार्ट करते हो थोड़े पैम्पलेट बना के आसपास के एरिया में थोड़े बांट देने हैं, ताकि आपकी शॉप का मार्केटिंग जल्दी हो और जल्दी से जल्दी कस्टमर आपकी शॉप में। आपको मार्केट में एक बार थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना कि कौन सी ब्रांड जो लोगों के मुँह पर चढ़ गई है, मतलब के जो आपको जिसकी मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अच्छे अच्छे जो भी ब्रांड चलते हैं, तो थोड़ा मार्केट में सर्वे करके वो सभी ब्रांड आप रख सकते हो।
तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे सजेशन और सुझाव लाते रहेंगे। और कोई अच्छा हमें भी एक्सपर्ट, हम ऐसा नहीं कि मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कोई एक्सपर्ट हमको अच्छी सी कोई सजेशन देगा तो हम जरूर उसकी कमेंट को हाईलाइट करके उसका नाम के साथ अगले वीडियो में बताएंगे कि इनका सुझाव मैं बहुत ही अच्छा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।